पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश एन बुक का फ्लेमिंगो का सेक्शन बी पोएट्री सेक्शन का चैप्टर थ्री कीपिंग क्वाइट जिसके राइटर पैब्लो नैरदू हैं आज इस चैप्टर का हम लोग सेंट्रल आइडिया देख चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इसका स्टेंजा इस और क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपको ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन रीड द स्टेंजा गिवेन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो जैसे दिया रहेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वेश्चन आंसर तो स्टेंजा वन आपको ऐसे पेपर में लिख देगा नाव वी स्टेंजा वन को चलिए हम लोग रीड करते हैं नाव वी विल काउंट टू ट्वेल्व फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड वी विल आल कीप लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच तो इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इस पैराग्राफ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा उसके बाद क्वेश्चन को रीड करिएगा क्वेश्चन को करिएगा तो जैसे क्वेश्चन इसमें से आपको पूछेगा नेम नेम द पोयम एंड द पोएट ठीक है तो आंसर आपको लिखना है द एम यहाँ पे एम हो गया यहाँ पे लिख लीजिएगा नेम द नेम ऑफ द पोयम इज कीपिंग क्वाइट द नेम ऑफ द पोएट इज पाब्लो नैरोडो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसमें आपसे पूछ सकता है व्हाट डज द पोएट आक्स अस टू डू तो आंसर क्या लिखेंगे द पोएट आक्स अस टू काउंट टू ट्वेल एंड कीप स्टील क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछ सकता है वाट डज ही नॉट वांट अस टू डू तो आंसर क्या लिखेंगे ही आक्स अस नॉट टू से एनीथिंग एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स क्वेश्चन नंबर फोर वाट विल काउंटिंग अप टू ट्वेल्व एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव इन लाइफ आंसर लिखेंगे इट विल हेल्प अस टू डेवलप ब्रदरहुड विथ अदर ह्यूमन बींग्स पाँचवा प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव है वाई डज ही आक्स अस नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स तो आंसर लिखेंगे ही आक्स अस नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो दैट वी कैन एनालिसिस आवर सेल्फ स्टेंजा टू आपसे पूछ लेगा देखिए आपके चैप्टर जो आपके बुक में दिया है उसमें भी देखेंगे तो एक्सप्लेसन एग्जाम ऑर्डिनरी क्वेश्चन में जाएंगे तो एक्सप्लेशन में दिया होगा ए आपका दिया होगा नाव वी विल से डैश डॉट 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 करके आर सो मच और दूसरा बी देखेंगे तो उसमें दिया होगा इट वुड बी फिर डॉट डॉट करके सडन स्ट्रेंजर्स ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंजर टू को रीड करते हैं इट वुड बी एन एग्जॉइट मोमेंट विथ आउट रस विथ आउट इंजन वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस। क्वेश्चन इसमें से आपसे कैसे पूछेगा तो वाट बीन, वाट हैज बीन सेड टू बी एन एग्जॉइट मोमेंट? ठीक है आंसर लिखेंगे द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस हैज बीन सेड टू बी एन एग्जॉइट्रिक मूमेंट क्वेश्चन नंबर टू है हाउ वुड इट बी विथआउट रस विथआउट इंजंस तो आंसर क्या देंगे ड्यूरिंग द मूमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट ऑल एक्टिविटीज वुड बी सस्पेंडेड इट वुड बी विथआउट रस विथआउट इंजंस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हाउ सार वी फील इन दिस मूमेंट आंसर लिखेंगे वी साल फिल फील आवर सेल्फ एस वन विथ ऑल अदर्स क्वेश्चन नंबर फोर हाउ विल इट हेल्प द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड आंसर लिखेंगे इट विल बी ब्रिंग पीस टू द इंडिविजुअल एस वेल एस टू द वर्ड स्टेंजर थ्री देखिए आपके बुक में दिया होगा फिशर मैन से डॉट डॉट करके हर्ट हैंड्स तो आप लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे स्टेंजा थर्ड को हम लोग रीड करते हैं फिसर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स तो क्वेश्चन इसमें आपसे कैसे पूछ सकता है पहले पूछेगा प्रश्न आपसे नेम द पोएट एंड द पोएट ठीक है नेम द पोयम एंड द पोएट ठीक है कविता का नाम बताइए और लेखक का नाम बताइए तो आंसर कैसे लिखेंगे द नेम ऑफ द पोयम इज कीपिंग क्वाइट द फिर लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएट इज पाब्लो नेहरो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू आंसर लिखेंगे दे वुड नॉट हार्म वेल्स इन डीप सी क्वेश्चन नंबर थर्ड वाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू आंसर लिखेंगे वी वुड लुक एट हीज हर्ट हैंड्स क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछ सकता है वाट टाइम्स वाट टाइम आर मोमेंट इज द पोएट टाकिंग ऑफ तो आंसर क्या लिखेंगे आप पोएट इज टालकिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड इट्स लेटर इफेक्ट्स क्वेश्चन नंबर फाइव वाट ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन द पीपल द पोएट इज टॉकिंग ऑफ तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप इस प्रश्न का दे विल कम आउट ऑफ देयर ग्रिड सेल्फिसनेस एंड क्योरटलीटली दे विल लाइव इन पीस हेयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर फाइव तक यहाँ पे था अब हम लोग देखते हैं स्टेंजा फोर स्टेंजा फोर आपके बुक में लिखा होगा डी से वहाँ डी लिखा होगा ठीक है फिशर मैन इन द कोल्ड सी ठीक है फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लाइक हर्ट हैंड्स दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वार्स विथ गैस वार्ड्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विथ द एयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग तो इसमें से आपसे स्टेंजा फोर में से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो पहला प्रश्न आपको देखिए यह अनिवार्य है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ठीक है नेम एंड द पोएम एंड द पोएट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका दो नंबर का छुटना नहीं चाहिए तो यह हमेशा याद रखिए अगर कोई भी लेसन पढ़े उसका नेम और उसके पोएट का जो चैप्टर का नेम है और उस पोएट का जरूर से लिख याद कर लें ठीक है चलिए इसमें जैसे पूछा है द नेम आंसर लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नैरो क्वेश्चन नंबर टू वाई वुड वार मगर्स पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स आंसर लिखेंगे वार मगर्स विल रिलाय द फ्यूचलिटी ऑफ वार दे नो लॉन्गर स्टैंड देयर क्लॉथ्स With the blood of human beings, thus their clothes would be clean. Question number third. Explain victory with no survivors. Answer. Lichenge, war which fought with dangerous weapons kills everyone, and there is no survivor to call himself a victorious. Question number four. What does the poet mean by doing nothing? Answer. Write बाई डू नथिंग द पोएट मीन्स कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग बिट ऑफ सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चन नंबर फोर तक यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टेंजा फोर अब स्टेंजा फाइव देखते हैं स्टेंजा फाइव आपका ई से लिखा होगा व्हाट आई वॉन्ट डॉट डॉट करके लिखा होगा बुक में देखेंगे तो विथ डेट तो इसका स्टेंजा फाइव को हम लोग चलिए रीड कर लेते हैं व्हाट आई वॉन्ट सुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल उट आई वॉन्ट नो ट्रक विचन इसमें आपसे कैसे पूछ सकता है वॉट डॉन्ट आंसर लिखेंगे ही वॉन्ट आल ऑफ अस टू फाइंड अ मोमेंट फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है व्हाट डज ही वॉन्ट नॉट टू कन्फ्यूज इट विथ ये मोस्ट क्वेश्चन है देख लीजिए ये पैराग्राफ बहुत ही मोस्ट है एंजा फाइफ आपके लिए ठीक है इसको जरूर से रिविजन करिएगा तो आंसर टू देखते हैं ही डज नॉट वांट अस टू कन्फ्यूज इट विथ टोटल इनएक्टिविटी टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ इट सेल्फ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं वाट डज ही थिंग अबाउट लाइफ आंसर लिखेंगे ही थिंग्स ऑफ अर लाइफ एज समथिंग कनेक्टेड विथ एक्टिविटी इट हैज नथिंग टू डू विथ डेथ क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं वाट एकॉर्डिंग टू हिम डज इन एक्टिविटी अमाउंट टू तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम इन एक्टिविटी अमाउंट टू डेथ स्टेंजा सिक्स देखते हैं स्टेंजा सिक्स ये आपका लास्ट होगा तो यहाँ पर दिया है पर हैप्स आपके बुक में एफ दिया होगा एक्सप्लेन वाले पार्ट में एफ लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा पर हैप्स द फिर डॉट डॉट करके लिखा होगा एंड आई विल गो तो यहाँ से स्टेंजा हम लोग चलिए स्टेंजा सिक्स रीड कर लेते हैं पर हैप्स द अर्थ कैन टेच अस एस वेन एवरी थिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूफ्स टू बी एलाइव एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो नाव आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व ठीक है इस स्टेंजा स्टेंजा सिक्स में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको बता दिया हूँ मैंने नेम द पोएम एंड द पोएट तो आंसर क्या लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नैरा दो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं व्हाट कैन द अर्थ टच अस हाउ आंसर लिखेंगे द अर्थ कैन टच अस दैट बाय सस्पेंडिंग आवर एक्टिविटीज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन वी कैन स्टार्ट देम फ्रेश इन अ बेटर मैनर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू वाइल ही काउंट्स अप टू ट्वेल्व तो आंसर क्या लिखेंगे ही वांट्स अस टू रिमेन क्वाइट एंड स्टिल क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं वाट हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ मैन हैज द पोएट रेफर्ड टू इन दस पोएम तो आंसर क्या लिखेंगे द पोएट हैज रेफर्ड टू मैन एक्टिविटीज ऑफ गोइंग टू वार एंड किलिंग ऑन ओम वन एन अदर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं वैन डज एवरी थिंग सिम डिड तो आंसर लिखेंगे इन विंटर वैन द अर्थ बिकम्स ऑलमोस्ट स्टील एंड साइलेंट एवरीथिंग टू बी डेड क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाट डज द अर्थ लेटर प्रूफ टू बी अलाइव आंसर क्या लिखेंगे द अर्थ प्रूफ टू बी अलाइव इन स्प्रिंग वैन न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स आर एडेड टू इट तो इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेशन का जितने भी इस्टेंजा दिए थे उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर फोर आ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया मैं बताऊंगा और स्टेंजा भी उसमें बताऊंगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको पोएट्री सेक्शन बी का फ्लेमिंगो की जो पोएट्री सेक्शन है उसमें चैप्टर वन से लेकर चैप्टर सिक्स तक है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से आप सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा के एक लाइन से सभी चैप्टरों का देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में धन्यवाद